हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू द रेनबो सीरीज प्रेजेंटेड यू बाय अल्फाइस एकेडमी इन एसोसिएशन विद एबीसी एजुकेशन एकेडमी दिस इज करंट अफेयर्स फॉर फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी दैट इज कवर्स द लास्ट वीक क्योंकि कंपाइल करते करते टाइम लग जाता है इसलिए ये करंट अफेयर्स करते हैं बट जितने भी मेंस मेन मेन चीज़ें हैं उसको कवर किया जाता है बोथ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यू एज वेल एज स्ट सर्विस एग्जामिनेशन एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज इट

चेंज किया जाता था एनर्जी में तो फोटोन होते थे फोटोन में चेंज किया जाता था तो पहले क्या होती वेव्स स्प्लिट हो जाती थी जब उनको उनके अंदर सुपर इम्पोजिशन किया जाता जा था उसको एक, एक के ऊपर एक रखा जाता था एंटेंगलमेंट किया जाता जा था जब उन्हें घुमाया जाता था तो क्या होता है कि वेव्स स्प्लिट हो जा रही थी अभी क्वांटम कोहनेंस से क्या हुआ है कि उन्होंने एंटेंगलमेंट भी कर लिया सुपर इम्पोजिशन भी कर लिया और वेव्स स्प्लिट भी नहीं हुई ठीक है तो दिस इज कॉल्ड क्वांटम कोहेरेंस आप आसान भाषा में ये समझिए ठीक है तो बेसिकली जो वो स्पिन हो रहा था स्पिन से जब फोटॉन्स बन रहे थे तो वो कैसे बन रहे थे उसमें वेव्स क्यों स्प्लिट हो रही थी उन सबको बेहतर तरीके से समझने के लिए क्वांटम कोहेरेंस कोम में आएगी ठीक है अगली जो न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट सिक्स सेंट्रल रिस्पॉन्स ऑन स्टेचुरी बॉडी फॉर एलिफेंट सेफ्टी देखिए हुआ क्या है कि जैसे हमारे पास टाइगर कंजर्वेशन के लिए नाइनटीन में हमने प्रोजेक्ट टाइगर लगाया चलाया और अब देखने को मिल रहा है कि उसका पौद, काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का होता है क्या देखो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग कैसे होती है कि जितने भी केसेज होते हैं स्टेट्स के खिलाफ तो वहाँ आपके जो सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं या जो बड़े बड़े केसेस होते हैं वहाँ अटॉर्नी जनरल तो स्टेट की एक पार्टी होती है और एक पटिशनर होता है पटिशनर ने पटिशन करी तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसको अगर अच्छा लगेगा वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर चीज़ें रिजेक्टिव हो जाती हैं और उसको लगेगा कि हाँ भाई पब्लिक इंटरेस्ट की बात है सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस इशू करेगा कि आप जो है आपका क्या व्यू है हमें दीजिए फिर जो सरकारी वकील हैं वो उसको कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री में भेजेंगे कंसर्न मिनिस्ट्री जो है एक रिप्लाई बना के भेजेगी वही रिप्लाई जो है वो लीगल लैंग्वेज में लिख के उसको फाइल किया जाएगा तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटर का रिस्पॉन्स मांगा है कि आपको क्या लगता है कि जैसे एन टी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जैसे है तो और ये एक्ट के तहत बनाई गई है आपको क्या लगता है कि नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनानी चाहिए ठीक है तो ये दो हजार दस में एक गजो रिपो, गजा रिपोर्ट आई थी एलिफेंट टास्क फोर्स बनाई गई थी उसमें भी कहा गया था कि हमें जो है एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लाइन्स पर नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी भी चाहिए अब एशियन एलिफेंट के बारे में पढ़, ले, पढ़ लेते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम है एलिफेस मैक्सिमस ठीक है एलिफेस मैक्सिमस ठीक है आयुसीएन स्टेटस क्या है एंडेंजर्ड और अपेंडिक्स वन कंजर्वेशन ऑफ सीएमएस जो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के अपेंडिक्स वन में दो अपेंडिक्स हैं वहां पे शेड्यूल वन और ऐसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में छः शेड्यूल है और सबसे यहाँ जो प्रोटेक्शन है वो शेड्यूल वन के में जो जो भी लिस्टेड एनिमल्स हैं उसे दी जाती है तो वो शेड्यूल वन में है एंड मोर देन सिक्सटी पॉपुलशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स इज फाउंड इन इंडिया ठीक है ये याद रखिएगा आप इनिशियेटिव तो बहुत सारे ऑलरेडी ले चुके हैं एक तो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ही हमारे पास नाइनटीन नाइनटी टू से और ये एक सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कुछ पार्ट इसका सेंटर देती है और कुछ पार्ट स्टेट्स अपने जेब से लगाते हैं ठीक है दो हज़ार दस में क्या हुआ कि उसको नेशनल हेरिटेज एनिमल भी घोषित कर दिया गया तो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है एलिफेंट ठीक है थर्टी थ्री एलिफेंट रिजर्व है और अभी 2022 में एक तराई एलिफेंट रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में उसको नोटिफाई किया गया ओके ये थी बात इसकी नाउ दी सेकंड अदर न्यूज इज अबाउट दैट दिस स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू एंड येलो बॉन्ड्स ब्लू बॉन्ड्स सबको पता होगा ग्रीन बॉन्ड्स सबको पता होगा येल्लो बॉन्ड्स किया वो किसी को नहीं होगा दो मिनट में बताते हैं तो सेबी किससे बना था देखो सेबी एक एक्ट एक एक से बना था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट टू थाउज नाइनटीन नाइनटी टू नाइनटीन नाइनटी टू में ही सीबी की स्थापना की गई थी ठीक है अब सेबी ने ग्रीन डेप सिक्योरिटी जो है उसको डिफाइन किया तो ग्रीन डेप सिक्योरिटी क्या हुआ कि वो सिक्योरिटी मैंने पैसा उठाना है मार्केट से तो मैंने क्या किया और वो पैसा किस लिए उठाया जाएगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बड़ा सोलर प्लांट लगाना है या कोई भी सस्टेनेबल इनिशिएटिव लेना है सस्टेनेबल इनिशिएटिव करना है ठीक है कोई आपको जो इन्वॉर्मेंट कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो कोई प्रोजेक्ट लिए जो है आपको बनाना तो है ठीक है तो पैसे चाहिए पैसा उठाने के लिए आपने कह दिया कि ठीक है यार मैं जो है बॉन्ड्स रोल आउट कर रहा हूं या ये सिक्योरिटीज रोल आउट कर रहा हूं ठीक है आप मुझे पैसा दे दो और इतना पैसा मैं आपको वापस दे दूंगा तो ग्रीन डेफ्ट सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि आपने डेट लिया आपने जो कर्जा लिया वो किसी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए लिया ठीक है ऐसी ब्लू बॉन्ड्स क्या होता है ब्लू बॉन्ड्स पानी ब्लू का यहां से जो तात्पर्य है वो है वाटर ठीक है सस्टेनेबल वाटर प्रोजेक्ट्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ठीक है ऐसे ही मरीन उसमें आप कुछ काम करना चाहते हैं तो भी ब्लू बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है देन येल्लो बॉन्ड्स येल्लो बॉन्ड्स होते हैं सोलर एनर्जी जनरेशन के ठीक है तो आप कह सकते हैं कि येल्लो बॉन्ड्स और ब्लू बॉन्ड्स ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स ठीक है उसको भी आप ये बात आप कह सकते हैं आराम से ठीक है तो येलो बॉन्ड्स किस लिए हुआ सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए देन एक ट्रांजिशन बॉन्ड्स होते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स क्या होते हैं जहां पे कि कंपनीज जो हैं ये बोलती हैं कि ठीक है हम अभी तक बैड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे हम जो है मान लीजिए कोई कंपनी है वो जो बिजली बना रही थी या बिजली जो आती थी वो कोयले से आती थी दैट इज़ अट नॉट अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल वो बोलती है कि यार हम ना अब सोलर सिस्टम लगाएंगे और एक हाइड्रोजन प्लांट लगाएंगे और वहाँ से जो फ्यूल है एनर्जी मिलेगा उसको यूज़ करेंगे तो उसके उसके लिए वो क्या करेंगे ट्रांजिशन बोर्ड्स बॉन्ड्स निकालेंगे ठीक है और वो इंडिया के आई से भी मैच करेंगे दैट इज इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिट कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमने पैरिस कोप ट्वेंटी वन में पैरिस में प्लेज किए थे कि हाँ भाई हम इतना इतना करेंगे इतना पेड़ लगाएंगे इतना फोर्टी परसेंट फॉसिल फ्यूल कम कर देंगे इतना हमारा क्लीन सोर्स से आएगा ठीक है तो ये सब हम करेंगे ये सो तो कहते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स तो वो थी बात मेन्स की आ, प्री के परस्पेक्टिव से छोटी छोटी न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट इज अबाउट दी आ, ग्लोबल इसको पहले चेंज कर लेते हैं स्क्रॉलिंग जो है इसकी अब ठीक रहेगा कमिंग टू दिलिम्स सेक्शन नाउ पिलिम्स के लिए हमारे पास है फर्स्ट न्यूज इज दैट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजे देखो निगलेक्टेड एंटिटीज उसको बोलते हैं जो ये जो बीमारियां हैं खासकर ट्रॉपिकल uh, एरियाज में पाई जाती हैं वर्ल्ड के ठीक है वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एरियाज दैट इज इक्वेटर के 20 डिग्री ऊपर 20 डिग्री नीचे तक लगभग लगभग लग, 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 ठीक है ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं जैसे हमारे डेंगू हो गया चिकनगुनिया हो गया ठीक है ये सब क्या है ये सब निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ठीक है तो ये जो रिपोर्ट थी ग्लोबल रिपोर्ट और निगेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज किस निकाली थी डब्ल्यू एच ओ ने ठीक है इसके लिए हमने ग्लोबल इनिशिएटिव भी लिए हैं एक किगाली एग्रीमेंट वो उसके लिए, लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट है जो आपका ओजोन लेयर है कीगालिया एग्रीमेंट वो अलग है यहाँ पर यह किगाली डिक्लेरेशन है तो कन्फ्यूज मत होइएगा येगा किगाली अमेंडमेंट में और कीगाली डिक्लेरेशन की गाली डिक्लेरेशन किसके लिए निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के लिए और एक लंडन डिक्लेरेशन है वो भी निगलैक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के लिए ठीक e. है अब नेक्स्ट न्यूज इज द फर्स्ट लेवल डायलॉग ऑन द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई सी ई टी इट इज एन यूनिक इनिशिएटिव दो इनिशिएटिव है मिलकर है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड यू एस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ठीक है और जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है या तो क्वांटम फिजिक्स क्वांटम कंप्यूटिंग ए आई मशीन लर्निंग इन सब के जो है इन सब पे आपस में मिलकर काम करेंगे ठीक है इसका लार्जर आइडिया यही है देन नेशनल एंटी लेप्रोसी डे वॉज ऑप्रोव ऑन जनवरी थर्टी तो पूछ लेता है कि लेप्रोसी डे एंटी लेप्रोसी डे कब होता है तो कब होता है जनवरी थर्टी को ठीक है इंडिया ने इंडिया को लेप्रोसी फ्री दो हज़ार पाँच में घोषित कर दिया गया था आ, तब भी जो है हमारे यहाँ दो हजार पाँच के बाद तो कोई केस नहीं आया बट देन उससे पहले तो केसेस थे लगभग लगभग हाफ जो लेप्रेसी केसेज है वर्ल्ड के वो इंडिया में है अनफॉर्चुनेटली और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रो बैक्टीरियम लैप्रे माइक्रो बैक्टीरियम लैप्रे बैक्टेरियासी के होता है ठीक है अगला जो है कमल टाइगर रिजर्व कमल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है तेलंगाना स्टेट में एक गोदावरी के गोदावरी रिवर के बगल में है कमल टाइगर रिजर्व ठीक है ये एक्चुअली यहाँ पे भी एशियन वाटर बर्थ सेंसेस दो चल रहा है ठीक है तो यहाँ पे थर्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड स्पीशीज पाए गए हैं ठीक है इसलिए न्यूज में था लेप्रेसी के लिए और हमने एक चीज बनाई हुई है नेशनल प्लान एंड रोड मैप फॉर रोडमेप्रेसी और एक 2.0 ओ पोर्टल तो क्या बोले हम आएगा नहीं आएगा लेकिन ठीक है निकुष्टल पोर्टल पोर्टल किसके लिए के लिए याद रखिएगा लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल अगला जो पढ़ते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अभी आप पूछोगे होगा या नहीं आएगा सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यूपीएससी ने पूछा था एक बार क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अब तो खेल दो साल से नहीं आए हैं और रिपोर्ट्स के एक क्वेश्चन बट देन पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है आईएमएफ निकालता है और आईएमएफ एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालता है उसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ठीक है देन सेना सीना आ, ये एक टाइप की एग्जॉटिक प्लांट था ऑर्नामेंटल फ्लावर था लेकिन ये इन्वेजिव स्पीशीज बन चुका है ठीक है तो इसको हटाने के लिए उन्होंने केला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्लान बनाया है क्या? एक ट्री है, आ, नेटिव तो अमेरिका, और अब जो बन गया है कहाँ का नीलगरी बायोस्फेर रिजर्व बंदीपुर ना, नागारोल मुद्दू मलाई सत्यमंगलम मतलब ऑन दी बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु केरला देन गोइंग अपनाटका ठीक है पिछले एक डिकेट में पहला हमारा एफ टी ए हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठीक है ऑलरेडी जापान और साउथ कोरिया के साथ है बट देन इस बार जो है हमने यूए के साथ साइन किया तो इंडिया और UAE का एक कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ एफ टी एट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठीक है तो तो अगर पूछा जाए अभी किससे हुआ है इंडिया UAE से ऑलरेडी किसके साथ है जापान और साउथ कोरिया के साथ देन बात करें ट्राई शक्ति प्रहार की ट्राई शक्ति प्रहार एक इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज है बेसिकली uh, ये इसमें आर्मी एयरफोर्स और सी इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तीनों के तीनों आपस में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं सफोस्टिकेटेड वेपर्स होते हैं मॉडर्न टेक्नोजीजी के साथ इसको वो किया जाता है और आपकी वॉर प्रिपेयरनेस को चेक किया जाता है देन रिवर्स फ्लिपिंग की बात करें देखो रिवर्स फ्लिपिंग क्या था फ्लिपिंग पहले रिवर्स फ्लिपिंग से पहले समझा आप फ्लिपिंग क्या होता है अभी तक क्या हो रहा था कि जितनी भी कंपनीज़ थी वो कोशिश करती थी टैक्स बचाने के लिए कि वो अपने ऑफिसेज इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दें रिवर्स फ्लिपिंग क्या हो रहा है क्योंकि अब हमें लगता है कि हमारे देश में जो चीज़ हो रही है जो आज का नौजवान युवा है उसको लगता है कि यार हम जो है टैक्स भी दें और वो अपने देश में दें भले ही बाहर हमें कम देना पड़ रहा है या नहीं देना पड़ रहा है लेकिन ज़रूरी है कि इस देश के विकास के लिए हम टैक्स नहीं दें तो उसी के लिए ये एक टाइप की बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है हमारे यंग इंटरप्रनोर्स की इनफैक्ट एनी एज ऑफ इंटरप्रनोर्स यंग इंटरप्रनोर सही नहीं रहेगा मैं उसको लिमिट नहीं करना चाहता हूँ कि यंग इंटरप्रनोर्स ही कर रहे हैं अच्छे लोग हर जगह होते हैं तो लिवर्स फ्लिपिंग क्या इज़ द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द डोमिसाइल ऑफ दोज कंपनीज़ बैक टू इंडिया वो फ्लिप कर लिया तो वो पहले बाहर चले गई लेकिन अब वो वापस आ रही हैं ठीक है देन नेटिव इंडियन क्राउब्रीड्स तो पहली बार जो जेनेटिक मेकअप है उसका रिवील किया गया किसने किया गया इंडियन जो लोकल इंडियन की इंडिया की जो लोकल नेटिव का जो आप जर्सी वर्सीज सुनते हैं ये सब इंडिया की लोकल काट जर्सी जो न्यू जर्सी लाई गई थी जो इंडिया की लोकल ब्रीड्स हैं वो आपकी हैं कासरगोड डॉर्फ कासरगोड कपीवला वेचूर उंगोल ये सब जो है इंडिया की लोकल ब्रीड्स हैं और इनमें जो हैं डिजीज uh, जो है कम इन्फेक्ट करते हैं इनके अंदर काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप्ड होती हैं जैसे एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है ह्यूमंस के अंदर वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी एक लोकल और नेचुरल इम्यूनिटी होती है ठीक है दे आर टॉलरेंट टू हीट एंड रजिस्टेंट टू सर्टेन डिजीजेस और ये किसने निकाला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च आई सर ने ठीक है देन यूनियन बजट की बात करें एक अलग से हमने डिस्कशन किया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अलग से हमने डिस्कशन कर रखा है और बजट जो वर्ड है वो याद रखिएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन uh, में नहीं है ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है अगर आप आर्टिकल एक बारा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा वर्ड तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बजट है ठीक है तो बजट में लगभग लगभग लग लग तेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तीन डॉक्यूमेंट्स तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं आपका जो बजट होता है फिर डिमांड जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं देन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती हैं वेरियस में इंस्टीट्यूट डिमांड्स आती हैं हमें चार लाख करोड़ दे दो हमें दो लाख करोड़ दे दो तो बोलते हैं रुको रुको इतना नहीं मिलेगा इतना मिलेगा इतना ही पैसा है हमारे पास इतने में ही अपना काम चलाओ ठीक है तो इस बार जो सबसे ज़्यादा था डिफेंस को ही मिला है और रेलवे का बजट इस बार बहुत ज़्यादा बना आज तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है रेलवे को जितना पैसा मिलता है सबसे ज़्यादा पैसा हिस्ट्री में रेलवे को इस बार मिला है और अच्छी बात है और फिनेस बिल फिनांस बिल जब पास लास्ट में फिनांस बिल ही पास होता है और फिनेस बिल के पास होने के बाद ही बजट को पास माना जाता है ठीक है और जो बजट है उससे कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं आर्टिकल वन हंड एंड ट्वेल्व वन एंड वन टेन ए ठीक है दो डॉक्यूमेंट जो है एफ आर एक्ट जो आया था दो के अंदर उसके तहत देने होते हैं एक होता है उसमें से मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और एक मीडियम टर्म फिजिकल कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट हाँ जो बच्चे आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं भी बी का एग्जाम होगा शायद मीडियम में अप्रैल में मई में, में अप्रैल में है शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और जो बाकी जो दस आठ डॉक्यूमेंट है वो एक्सप्लेनेटरी इन नेचर होते हैं ठीक है तो, तो या, या सो को जो है लद्दाख का फर्स्ट बायो डै, हेरिटेज साइट बनेगा अच्छा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है बायोडावर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर घोषित किए जाते हैं ठीक है ये आप लोग याद रखिएगा जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है दे आर डिक्लेयर अंडर बायो डाइवर्सिटी एक्ट टू ठीक है और लद्दाख का ही पहले साइट होगा या या स्टो और क्यों है बिकॉज वहाँ पे एक ब्लैक नेक क्रेन होती है बर्ड होती है वो उसका हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है और इंडिया में इसके अलावा थर्टी सिक्स बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट और हैं और जो लेटेस्ट ऐड किए गए थे वो महेंद्रगिरी हिल्स हैं उड़ीसा में उनको ऐड किया गया था दो में ठीक है उसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट आता है सिक्योर हिमालय देखो तो हिमालय का जो जो लोग हिमाचल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख जे एंड के एंड देन नॉर्थ ईस्ट में रहते होंगे उन्हें पता है कि ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हिमालय का डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपने सबने देखा है कि जोशीमठ में क्या हुआ ठीक है अब ठीक है उसके एन नंबर ऑफ रीजन्स है बट देन इन्वॉर्मेंटल डिग्रेडेशन एंड यू नो द इंटरफेरेंस एंट्रप्रोजोनिक इंटरफेरेंस इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड सिंकिंग ऑफ जोशीमठ नाउ जोशीमठ मोरेन भी था वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा की ही नहीं जानी चाहिए थी एक्चुअली शुरू में ठीक है बट दे बहरहाल जो भी हुआ सिक्योर हिमालयस जो है तो ये प्रोजेक्ट है कि हिमालयस को और सिक्योर बनाया जा सके जो वहाँ की जो नेचुरल एसेंस है उसको इंटैक्ट रखा जाए और ये किसका प्रोजेक्ट है इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ एम एफ डबल सी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवाइट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड यूनाइटेड नेशंस यू एन डी पी एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी देन अभी तो देखो ये तो सबको पता होगा आज कल तो सबने सुन लिया होगा ये पोलो ऑन पब्लिक ऑफर एफ पी ओ क्यों था ये न्यूज़ में बिकॉज जो अडानी ग्रुप है उन्होंने एफ पी ओ रोल आउट करना था हाइडनबर्ग रिपोर्ट आई हाइडनबर्ग रिपोर्ट, रिपोर्ट आई तो दो दिन तो भाई साहब आपकी जो पार्लियामेंट थी वो नहीं चल पाई और अडानी के शेयर जो हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा गिर गए लोअर सर्किट लग रहे थे उनमें और अडानी ने बोला कि हम रोल बैक कर रहे हैं पैसे वापस कर देंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है कि पहली बार जब आपने एक, आपकी एक कंपनी है मांगी जब आप पहली बार उस कंपनी को फर्स्ट टाइम जब आप उस कंपनी को लिस्ट करेंगे एक स्टॉक एक्सचेंज पे तो आप आईपीओ निकालते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको ठीक है उसके बाद आप बोलते हैं कि यार मुझे और शेयर निकालने में और शेयर डायलूट कर रहा हूँ ठीक है तब वो हो जाएंगे एफ ठीक है तो एफ भी तीन टाइप के होते हैं एक होता है डायल्यूटिव एफ पी ओ डूटिव एफ पी ओ क्या आप नए शेयर्स लेके आ रहे हैं ठीक है कैपिटल लेस करने के लिए शेयर क्यों लाए जाते हैं कैपिटल लेट करने के लिए मार्केट से पैसा उठाने के लिए डायल्यूटिव एफ पी क्या हो गया कि आप जो है नए शेयर्स लाने नॉन डायल्यूटिव एफ पी एफ एफ क्या हो गया कि वन, जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना शेयर बेच रहे हैं कि ठीक है यार ये तो कंपनी के पास ही सबसे ज्यादा शेयर होते हैं या कोई और ग्रुप है उसके पास बड़े बड़े शेयर या टाटा ग्रुप है उसमें जी पोलन जी के कुछ शेयर्स हैं लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर है तो सपोरजी पोलजी बोलता है कि यार मैं जो है इतने करोड़ के शेयर बेच रहा हूँ तो इतने बड़े के लिए ना वो एकदम नहीं बेच सकते उन्हें कुछ रेगुलेशन के तहत बेचने पड़ते हैं क्योंकि तो एकदम इतने बेच देंगे इतना फ्लो आ जाएगा तो मार्केट में मिसमैच हो जाता है तो सी जो है उन सब चीजों को दिखता रहता है तो उसको बोलते हैं नॉन डाइलोटिव एफ फिर एट द मार्केट एफ मतलब कि जितना करंट शेयर प्राइस है उसी पर जो है कंपनी जो है शेयर बेच दे पैसा उठाने के लिए मार्केट से ठीक है अगला जो न्यूज़ है वो है बाल मित्रा ठीक है बाल मित्र तो बाल मित्रा क्या है इट इज अ ये किसने ये देख लेते हैं दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ने इसको किया था ए प्रोग्राम है और नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे ये वर्क करता है एनएलपी पे व्हाट्सएप चैट बॉड है और जो कस्टमर के क्वेश्चन हैं उनको ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है आज के टाइम पर जो मैक्सिमम चैट हैं टेलीग्राम पे या और भी होते हैं आपने साइड में देखा होगा दीक्षा दि पोर्टल या दिशा पोर्टल है वहाँ पे आज दिशा इस टाइप से रहते हैं ये ए बॉट्स होते हैं ऑलरेडी ठीक है देन अगला जो न्यूज है टनर शुकर्स हिंगलिया ये कुछ नहीं है ये एक टाइप का फॉसिल मिला है और ये फॉसिल जो है शुन का है और ये जो है किससे मिलता क्रोकोडाइल से मिलता जुलता है ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं ठीक है देन पैक्स दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर की तरह भी काम करेंगे तो पैक्स जो है वो स्टेट के अंदर आती हैं uh, इम्पॉर्ट बात ये रखिएगा इट इज आउटसाइड साइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का उससे ये बाहर है और दस आर बी इनको रेगुलेट नहीं करती हैं ठीक है थीके? तो और जो हैरार भी समझा देते हैं आपको तो सबसे नीचे ही होती हैं उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं या डी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं स्टेट भी दो टाइप के होते हैं मल्टी और सिंगल स्टेट तो मल्टी वाले जो होते हैं उनको सेंट्रल गवर्न करती है और जो स्टेट वाले होते हैं उनको स्टेट गवर्न करती है ये आर के एंड बेट में आते हैं ठीक है थीके? इनका जो बैंकिंग ऑपरेशन है डू मोड ऑफ डू एल्टी है इसमें ठीक है और हमने अपनी शॉर्ट में बताया था कि किजन बजट में जो है एक न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स है वुमेंस के लिए ठीक है उसको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट मिला है और 2025 तक है और ये 2023 में आपको खरीदना पड़ेगा इसमें कुछ नहीं होगा आप जाओगे दो साल के लिए आप पैसे जमा करोगे मैक्सिमम और टू लाख रुपीज़ आप जमा कर सकते हो 7.5 का आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा और पार्शियल विड्रॉल का आपको ऑप्शन रहेगा पार्शियल विड्रॉल का मतलब कि आप बीच में थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हो ठीक है ये जो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन सेविंग्स की हैबिट बढ़ाने के लिए सब इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो गवर्नमेंट निकालती है ठीक है ऐसे ही नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में निहित तो होता है मतलब उसका जो पैसा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है नाइनटीन से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं ठीक है ठीके? उसके बाद अभी डब्ल्यूल्यू और आई ने एक रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया का जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा हाँ जो ट्री एक्सप्लोइटेड ट्री स्पीसी है और रे सेंडर है है ना पुष्पा भाई पुष्पा भाई याद है आपको पुष्पा भाई क्या बेचते थे रेड स्टैंडर्स बेचते थे चंदन की लकड़ी लाल चंदन ठीक है तो लाल चंदन जो है डिमांड में था देखा देखा था ना आपने च, कैसा चाइना में जाता था तो वही बात है चाइना अभी भी लार्जेस्ट इंपोर्टर है चंदन की लकड़ी का ठीक है तो मूवीज़ भी देख लिया करो एंजॉय किया करो लाइफ को कुछ बहुत कुछ सीख करो चाइना इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रेड स्टैंडर्स इट वॉज हाईलाइटेड बाई अ रिपोर्ट बाई डब्ल्यू एफ एन आई यू सी एन उनका एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन मार्खा है ट्रैफिक ठीक है उसने ये हाईलाइट किया रेड सेंडर्स की बात करें तो एंडमिक टू ईस्टर्न घाट्स चंदन सत्यमंगलम वगैरह जो आंध्र प्रदेश का डार्क फॉरेस्ट है दंतगढ़िया वगैरह छत्तीसगढ़ तक भी चले जाता उपर, है ऊपर ठीक है दंतगढ़ तो छत्तीसगढ़ में ही है ठीक है वहाँ पे रेड सेंडर्स हल्का हल्का मिलेगा बटन जो इसकी मैक्सिमम वह है नीचे आंध्र प्रदेश उड़ीसा के आस है ठीक है तो बहुत ही स्लोली ग्रोइंग स्पीशीज है एक पूरा पेड़ बनने में पच्चीस से चालीस साल लगते हैं होता है बहुत फायर रजिस्टेंस होता है हार्ड होता है और ड्रॉट से भी रजिस्टेंट होता है सूखता नहीं है और एंडेंजर्ड होता है बहुत फेमस होती है बड़ी सुगंधित होती है है ना सांप भी लटके रहते हैं चंदन की लकड़ी पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल फोर में है याद रखना और साइड्स के अपेंडिक्स दैट इज कंजर्वेशन ऑफ ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज वाले जो है उस अपेंडिक्स टू में है नॉर्मली हमने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जितने भी हैं ये शेड्यूल वन में होते हैं तो एनिमल्स जो हैं शेड्यूल फोर में देंगे जब त्रीस को डालते हैं तो शेड्यूल फोर में डालते हैं बेसिकली है ठीक देन सेक्शन थर्टी थ्री सब क्लास सेवन ऑफ द ऑफ पीपल एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट एक प्ली आई ये हटा दो सुप्रीम कोर्ट ने वो क्वैस, क्वैस कर दी नहीं भाई हमने हटाएंगे कहता क्या है सेक्शन थर्टी सेवन थर्टी थ्री सब क्लास इट परमिट्स टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन फ्रॉम अप टू टू कॉन्टीटेंसीज मानी प्रधानमंत्री जी थे वो बनारस से लड़े और गुजरात में एक और सीट थी आ, याद नहीं एक्जैक्टली exactly. शायद वडोदरा थी वडोदरा से लड़े दोनों जगह से जीत गए फिर उन्होंने वडोदरा से छोटी सीट और बनारस से आज भी वो एम हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वहाँ से फिर दूसरे बंदे लड़ा वहाँ से फिर बीजेपी का दोबारा एक बंदा जीत गया ठीक है दिस प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूज इन 1996 नाइनटी सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि यार इसको हटाओ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो बात ख़त्म बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट ठीक है पेरिस क्लब की बात करें पेरिस क्लब जो है इनफॉर्मल uh, ग्रुप है कंट्रीज़ uh, का uh, तो वो भी पैसा देंगे श्रीलंका श्रीलंका क्राइसिस हो रखी है श्रीलंका में इकनॉमिक क्राइसिस चल रही है तो उसको दूर करने के लिए वो पैसा देंगे तो इट इज़ अ ट्वेंटी टू मेम्बर ग्रुप है ये वेस्टर्न यूरोपियन कैबिने इंडियन नेशन यूनाइटेड किंगडम जापान ये सब है इंडिया एंड चाइना चाइन इसके मम्बर नहीं है बस याद रखना ठीक है तो पैरिस ग्रुप जो है श्रीलंका को पैसा देगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट पैरिस क्लब का इंडिया और चाइना मेम्बर नहीं है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है आ, अब बात करें लैब ग्राउंड डायमंड्स की तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी चल रहा है आप नॉर्मल डायमंड्स को लैब ग्राउंड डायमंड से अलग नहीं देख सकते बड़ा मुश्किल होता है पहचानना लैब ग्राउंड डायमंड है ग्रेफाइट को या ग्रेफाइट को आप रखते हैं ग्रेफाइट को एज आ रॉ मटेरियल यूज करते हैं आ, लैब में ओनली प्रॉब्लम इन लैब इसकी है आपको ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत है क्या जरूरत है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ठीक है वो क्रिएट करना मुश्किल होता है एक बार आपने वो क्रिएट कर लिया तो ग्रेफाइट को आप लैब में डायमंड बना सकते हैं ठीक है और बहुत सारे मटेरियल्स हैं मसोनाइट क्यूबिक जोरानिका वाइट सफायर या ठीक है जो कि डायमंड की तरह लगते हैं ये लैब ग्रोन के टाइप हैं ठीक है एक बजट में ही एक और स्कीम आई थी दैट इज़ प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन 2023 के बजट में आई थी पी वी टी जीज दैट इज़ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप उन पर ज़्यादा ध्यान देगी इससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है मतलब उनकी सेफ हाउसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइवलीहुड एजुकेशन हेल्थ इन सब पे ध्यान देगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पी वी टी जीज होते हैं वो समझना ज़्यादा जरूरी है तो इंडिया में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में एक स्टेटमेंट था कितनी थी वो गलत था स्टेटमेंट सेवेंटी थ्री दी हुई थी सेवेंटी फाइव पी वी टी जीज हैं इंडिया में ठीक है और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पीवीटीज़ हैं और सबसे बड़ी जो पी है वो सहारियाज हैं ठीक है सहारियाज हैं और नाइनटीन में दे कमीशन था क्रिएटेड फॉर प्रीमिटेड ट्राइबल ग्रुप्स उसने जो है इसको एक सेपरेट ग्रुप बनाया तो शेड्यूल ट्राइब्स हो गए शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो उन्हें लगा कि यार ये ज़्यादा वनरेबल हैं इन्हें ज़्यादा सुविधाओं की या ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उन्होंने उन, उन, उन ट्राइवल्स को उठा के ऐसे सेवेंटी फाइव ट्राइब्स को उठा के पी में डाल दिया जाए थे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इस बार उनके लिए तो प्रोग्राम अलग से लाया गया किस में लाया गया बजट में ठीक है देन बात करें एंजल टैक्स की तो एंजल टैक्स पता ही है आपको क्या वो एंजल इन्वेस्टर आया मैंने कंपनी खोली मैंने कहा दादा यार पैसे दे दो आ, कमी हो रही है और अपनी ग्रोथ सही लग रही है एल्फाईस में तो ग्रोथ सही लग रही है अपने को है ना फ्री कोर्स दे रहे हैं हम और एक ना एक दिन उड़ जाएगा सही पैसे कमा लेंगे तो दादा है दादा ने बोला ठीक है स्टूडियो बना लो पाँच लाख रुपये लेके तो वो क्या हो गए एंजल इन्वेस्टर हो गए तो अभी तक क्या और था दादा की इनकम पर पैसा नहीं लग रहा था ठीक तो है तो लेकिन अब प्रॉब्लम है तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार इसमें भी टैक्स लगाएंगे तो अब उसको क्या बोलते हैं इंज टैक्स ठीक है इंजल तो इंज इन्वेस्टर आर वेल्दी प्रोफेशनल ठीक है और जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हैं जो कि बाहर से आ गए अगर दादा जो हैं इंडिया का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दादा बाहर से आकर पैसा लगा रहे हैं एल्फाई में तो प्रॉब्लम है तो हम उनसे इंजन टैक्स लेंगे ठीक है देन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है आ, तो गुजरात की गिफ्ट सिटी का इंडिया की गिफ्ट सिटी कहाँ बोली थी गुजरात में गुजरात में ये एक टाइप का बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी वहाँ पे एक्जीएम एक 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 बैंक की एक सब्सिडी को देगी एक्जीएम बैंक जो है नाइनटीन एटी टू में सेटअप किया गया था अंडर दी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बंद ठीक है एंड ये पूरा गवर्नमेंट ओन करती है याद रखना और रेगुलेटरी उसको आर करती है बस ठीक है देन स्विफ्ट था स्विफ्ट ट्रांजेक्शन आपको पता है ना एक एफ कोड होता है एक स्विफ्ट कोड होता है तो स्विफ्ट स्विफ्ट इज़ फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो अभी बवाल चल रहा है वेस्ट और रशिया का तो रशिया ने बोला जैसे रशिया और ईरान ने मिला के बोला कि गोल्ड बेजेड हम करेंसी निकालेंगे हम एक क्या बोला उन्होंने उसको नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक है तो उन्होंने ऐसे ही उन्होंने बोला कि स्विफ्ट का हम एक ऑल्टरनेटिव लगाते हैं उन्होंने एक लेटर जो आरबीआई को भेजा कि यार दादा आपने जो है ना सिफ्ट हटा दो और ये हमारा सिस्टम अपना देखते, देखते, देखते तो सिस्टम फॉर है Messages, FPFS, और ये रशियन इक्वेंट है किसका एस का दो में ये बना लिया था उस टाइम से पिच कर रहे हैं बट क्योंकि अब वेस्ट और रशिया की बढ़ गई है तो अब ऐसे प्रमोशन ज्यादा हो रहे हैं ठीक है रिपोर्ट ऑन प्रोटेक्टिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई वो हमें मतलब नहीं है ज़्यादा, बट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है end राजस्थान की ये स्टेट बर्ड भी है ओवरहेड पावर ट्रांजिशन लाइन गुजरात वगैरह जाती थी उसको ग्राउंड अप किया जा रहा है क्योंकि ये ऊपर जाके बहुत टकराती थी, थी और इनकी डेथ हो जाती थी ठीक है अगला है वन डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ तो एक इन्वेस्ट इंडिया के इन्वेस्ट इंडिया एक इन्वेस्ट इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट बोल लो एक हमने एक बॉडी बनाई हुई है और वो डी आई पी आई डी पी आई आई टी के अंदर वर्क करती है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल आई टी इंटरनल ट्रेड ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है ये ठीक है एंड पंजाब के साथ ये उन्होंने बोला है कि ठीक तो है हम जो हैं एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे उसमें उसके एक्सपोर्ट में हेल्प करेंगे ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड आंसर ठीक है भूल जाते, है कबार, जाते हैं कभी कभार बड़ी दिक्कत हो जाती है ठीक है अब अगला है लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट आई एन आई ई इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली तो एक्चुअली हुआ क्या था कि दो हजार इक्कीस में जब हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी सिक्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए कोप ट्वेंटी सिक्स हुई कहाँ थी ठीक है कोप ट्वेंटी सिक्स हुई तो वहां पे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने लाइफ मिशन अपनाया लाइफ मिशन जो है यूज एंड थ्रो पे नहीं डिस्पोज पे नहीं सर्कुलर इकनॉमी बिलीव करती है रीयूज पे बिलीव करती है कि आपने कोई मान लिया आपने थैली ली आप एक थैली को पांच बार उसमें सब्जी ला सकते हैं या एक बार एक थैली में एक बार सब्जी ला उसको फेंक सकते हैं ठीक है तो जब आपने उसको फेंक दिया तो वो किसी काम के नहीं दी लेकिन हमने उसको रीयूज किया तो आपकी सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बन गई तो लाइफ फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट जो है ये दर्शाती है कि जो हमारी लाइफ है वो एट दी फोर है किसके क्लाइमेट चेंज के अगर हमें क्लाइमेट को चेंज होने से रोकना है अपने आप को बचाना है तो बहुत जरूरी है कि हम जो है सस्टेनेबली लीव करें और सर्कुलर इकोनॉमी में बिलीव करें यही बात लाइफ मिशन में मोदी जी ने कही और इसी को लाइफ लेसेंस फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट एनर्जी एजेंसी जो निकालती है उसने ये बात की देन एक मिस्ट्री है मिस्ट्री इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स ठीक है तो मिस्ट्री जो स्कीम थी ए सेट मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग दस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट स्टॉल्टेंस बजट दो हजार में इसको रोल आउट किया गया था ठीक है और ये मनरेगा में जो पैसा देते हैं और जो कैंपा में देते हैं दैट इज कम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड लैंड अथॉरिटी फंड जो है कैंपा फंड उसको फंड से उससे पैसा निकालेंगे दोनों से और जो है मैग्रोव को जो है शो लाइन के बगल बगल लगाएंगे आज के टाइम पे जो है जो सबसे ज्यादा मैंग्रोव हाईएस्ट मैंग्रोव कवर है वो वेस्ट बंगाल में है और जो इनिशिएटिव है मैग्रूव रिलेटेड दैट इज मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ड्यूरिंग कोप ट्वेंटी सेवन इंडिया ने ये ज्वाइन किया है ठीक है नेक्स्ट न्यूज या ये है यू एस ओ एफ दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिकेशन फंड अब ये कोई फंड नहीं है ये एक टाइप का ऑफिस ही है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ अटैच है उसके साथ वर्क करता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मोबाइल एंड डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्रीज तो यूएस ओ से आज के टाइम पे जो गाँव में फाइबर जा रहा है पंचायत जो कनेक्ट हो रही है डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ानी है वो यूएसओ एफ से ही उसका काम यही है कि वो ये सब देखेगी फंड दिया हुआ है पैसे लो काम करो ठीक है देन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज रिस्पॉसिबल फॉर मेज़र्स टू इंप्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग इन्होंने कोड भी बनायालती तो है आई एम ओ यू एन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये आप याद रखेंगे ठीक है देन ऑपरेशन सद्भाव ऑपरेशन सद्भाव क्या है ऑपरेशन सद्भाव है एक इंडियन आर्मी का इनिशियटिव है इन दूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख नाइन नाइन एट से यह चला हुआ है एंड फोकस ऑफ द ऑपरेशन इज टू इंप्रूव ओवरऑल कोर सोशल इंडस्ट्रीज ऑफ द रीजन सोसाइटी के साथ सोसाइटी में हर महीने के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो आर्मी सिर्फ आपको डिफेंड ही नहीं करती है आर्मी लार्जर सोशल इंटरेस्ट में भी काम करती है देन पीरियड 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 देखो Paleolithic period क्या था Stone Age का period था स्टोन एज का आपने सुना होगा मेसोलिथिक नियोलिथिक हो, ठीक है तो गुड़गांव में कुछ पेंटिंग मिली पुरानी पैलोलिथिक पीरियड की उन्होंने उसको ऐड कर दिया अरावली स्ट्रोब ऑफ हिस्ट्री में ठीक है इंपॉर्टेंट क्या है देखो लोअर पैलू लेथिक मिडिल पैलो लिथिक अपर पैल्यू लिथिक लेथिक का मतलब होता है स्टोन ठीक है तो ये सब लीथिक वो है बट देन इनको डिवाइड किया गया कि थोड़े से जो स्टोन्स थे या जो टूल्स थे स्टोन से बने हुए वो सफिस्टिकेटेड होकर चले गए पहले ब्लंट शेप थे फिर ज़्यादा शेप आ गए फिर शेप के साथ उसमें एक डंडा डाल दिया तो उसको हथौड़ी बना दी तो ऐसे चेंज होते चले गए तो लोअर पैल्यू में सिर्फ पेबल टूल्स थे एंड क्रूड स्टोन चॉपर्स थे मिडियल पैलोलिथिक में फ्लेक टूल्स थे एंड फायर का बहुत ज्यादा यूज था एंड अपर पैलोलिथिक में मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स थे अगला है एशियाटिक ब्लैक बियर एशियाटिक ब्लैक बियर हिमालयन बियर भी कहते हैं उसे टिप्टन बियर भी कहते हैं और म्यून बियर भी कहते हैं आयोसी स्टेटस वनरेबल है अगर इसका फर देखोगे तो आप ब्लैक सा होता है उस पर भी बना हुआ होता है ठीक बड़ा क्यूट सा लगता है ये ठीक है देन एक चीज होती है ग्रीन वॉशिंग ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है आपने प्रोडक्ट लिया आपने बोला यार ये जो है बहुत ज़रूरी है हमारी धरती में इतना गर्मी हो रहा है आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इससे धरती का ठंड कम हो जाएगा आप क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए ये नॉन टॉक्सिक है ये नॉन पॉल्यूटिंग है ये नॉन हार्मफुल है इट इज़ सस्टेनेबल आपने ऐसे करके किसी प्रोडक्ट को बेचा तो इसका मतलब हो गया ग्रीन वॉशिंग आप उसे आपने जो है इन्वायरमेंट के नाम पे बेच दिया उसे या आपने जो आजकल बहुत चल रहा है जैसे ट्रेंड में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के जैसे ऑर्गेनिक के नाम पे बेच दिया तो ऑर्गेनिक तो ग्रीन वॉशिंग नहीं हुआ बट उसे इन्वायरमेंटली साउंड होने के नाम पे आपने गलत तरीके से बेचा वो इन्वायरमेंटली साउंड है वाकई वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में तब ग्रीन वॉशिंग नहीं होगी लेकिन आपने झूठ बोला आपने मिसलीड किया उसको उसको ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं देन अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बवाल चलता रहता है आजकल तो कोलिजियम सिस्टम और सरकार जो है आमने सामने आ रखी की आज सुबह ही बल्कि जो नाम लेना सही नहीं, 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 नहीं रहेगा बट अभी तो वो ऑनरेबल जस्टिस हो गई हैं मद्रास हाई कोर्ट की उन्होंने शपथ ली अर्ली मॉर्निंग हेयर हेयरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में साढ़े दस बजे उनकी शपथ है मेरे ख्याल से आठ साढ़े आठ बजे वहाँ हेयरिंग चल रही थी उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था उसके चलते कि यार ये पहुँच जाते हैं डेमोक्रेसी है वाद विवाद और जो आपका जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो डेमोक्रेसी में जरूरी होते हैं और यही डिसग्रीमेंट दे, जो है स्ट्रेंदन भी करते हैं हमारी डेमोक्रेसी को हमारे लोकतंत्र को चेंदन करने में या उसको मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा हाथ भी रहता है ठीक है तो खैर बहरहाल वो अलग चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्विंग सिस्टम ने नाम भेजे पाँच और वो उन्होंने क्लियर कर दिए तो उसमें से कुछ दो जजेस या तीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी आए तो सुप्रीम कोर्ट की अब स्टैंड जो टोटल स्टैंड है इंक्लूडिंग द सी जी आई दैट इज थर्टी फोर अभी थर्टी टू हो गए हैं एंड टू वैकेंसीज अभी भी चल रही हैं आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर सब क्लस टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में के तहत जो है प्रेजिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी भी जज के सुप्रीम कोर्ट के जज को और एक मेमेंडम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बना हुआ है उसको एम ओ पी बोलते हैं तो एम ओ पी क्या होता है कि बेसिकली एक कोलिजियम सिस्टम है वो नाम सेलेक्ट करता है कोलिजियम सिस्टम आगे सरकार को भेजता है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ एंड जस्टिस हैं एंड कंपनी अफेयर्स वो रिकमेंड करके आगे प्रेजिडेंट को देते हैं और प्रेजिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं तो ऐसे ही वर्क करता है और तो कोलेजियम सिस्टम पर हमने बहुत बार बात करी है अब ये तो इंपॉर्टेंट थिंग थी अब होता क्या है कि बहुत सारी न्यूज़ इधर उधर की रहती हैं रिपीटेशन में रहती हैं उसको पढ़ाना सही नहीं होता लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं कि ये न्यूज़ में थी तो आप देख सकते हैं तो एक गोबर इनिशिएटिव जो है वो न्यूज़ में था दैट इज गैल्बनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सिस धन स्कीम दैनिक प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना इसके तीन कंपोनेंट्स हैं देन फीम जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए फर्स्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो पीएम कुसुम जो है जहाँ पे सोलर पंप्स हमें लगाने हैं एग्रीकल्चर यूज़ के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान पीएम एम कुसुम स्कीम तो ये भी न्यूज़ में थे तो आप देख सकते हैं पर इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा और कुछ भी आपको लगता है कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं और ए बी सी एजुकेशन अकेडमी हमारा फिजिकल ऑफिस है आप वहाँ पे आ सकते हैं कैन ऑलवेज अस कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अल्फा ई एस विद एजुकेशन ए बी सी एजुकेशन अकेडमी जो है इट विल ट्राइज टू ब्रिंग यू दुल कोर्स एंड दैट्स द लार्जर आइडिया हमारा आइडिया यही है कि हम आपको जो जितने भी कोर्सेज हैं एटलीस्ट देखो थोड़ा तो हमें को, 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 कोर्सेज पेड रखने पड़ते हैं लेकिन हम जो भी कोर्स करते हैं जो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज है यू पी एस सी का वो हमेशा फ्री रहेगा उसको हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं अभी तो शहर पढ़ाई रहे हैं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बहुत सारी सीरीज उसकी ऑलरेडी आ चुकी हैं सीरीज उसकी चल रही है फिलहाल मैं ही पढ़ाता हूँ देन बट देन कंटेंट की टीम है और भी टीचर्स आ रहे हैं सो so, आप बने रहें और आपकी कोई भी सुझाव हो कोई भी सजेशन हो कोई भी कमेंट हो आप हमें जरूर बताएं हम व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या आप हमें हमें, हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट लिख सकते हैं तो दैट विल बी ऑल इन दिस फॉर दिस वीक सी यू नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूजडे विद दिस रेनबो करंट अफेयर्स टिल देन बाय बाय टेक केयर सी यू Keep healthy and keep smiling.